Welcome everyone to the webinar. We are starting the webinar. आज का हमारा टॉपिक है जो फार्मिंग के अंदर अलग अलग तरह के जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है. बहुत अलग अलग टेक्निक्स आपको सब बताएंगे आज के वेबिनार के अंदर. स्मॉल इंट्रोडक्शन, कई लोग मुझे जानते भी हैं, ये इंट्रोडक्शन मैं हर बार देता हूँ नए लोगों के लिए. मेरा नाम समीर अलावादी है. पढ़ाई मैंने करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में. 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे एग्रीकल्चर के फील्ड का. मेरी खुद की कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ. मैंने इस 21 इयर्स के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स के अंदर कंसल्टिंग किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है बनाना, पपाया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. हमारी कंपनी एक रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है. मोर देन 100 प्रोडक्ट्स वी मेक एंड वी मार्केट अंडर आवर ब्रांड नेम. ऑल आवर प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट हमारे नॉन पॉइजनस है, 100% नो पॉइजन प्रोडक्ट. हमारी कंपनी सूरत बेस्ड है और आप ज़्यादा डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट www.utkarshagrochem.com, utkarshagrotech.com, www.utkarshagro.com पे आप विजिट कर सकते हैं. अभी अभी हमने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करी है और प्रमोशन भी उसमें चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दैट वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स के बारे में. चैट बॉक्स अभी खुला है, आप सबको मैंने म्यूट कर रखा है अभी, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है और आपके मेजर कंसर्न क्या है, कौन सा डिजीज है आपके फार्म में, किसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं. तो क्या है कि उसके बारे में अपने कवर करेंगे और आपका सवाल को इनकॉर्पोरेट करेंगे. मेरा चैट बॉक्स खुला है, आप सब चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं. ड्यूरिंग द वेबिनार आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए. लास्ट में आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा जिसके बारे में मुझे पता रहेगा. मेजर डिजीज हम इसमें कवर करने वाले हैं. कुछ कोई डिजीज अगर पर्टिकुलर डिजीज कवर नहीं होती है तो उसके बारे में भी हम वेबिनार के एंड में डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं. उसके बाद में अपना व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपने डिजीज की फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे जो मालूम पड़ेगा आपको वो मैं बता सकूं. सो वील मूव फॉरवर्ड. मैं अपना चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं. मैं अपना चैट बॉक्स लास्ट में खोलूंगा वेबिनार के एंड में. व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या होती है? प्लांट को जो भी चीज परफॉर्म करने से, मैक्सिमम पोटेंशियल को परफॉर्म करने से रोकती है उसको हम डिजीज बोलते हैं. ये जो डेफिनेशन है ये ब्रॉड है और दो तरह की डिजीज होती है, एक एबायोटिक डिजीज बोलते हैं और एक बायोटिक प्लांट डिजीज बोलते हैं. लर्निंग अबाउट ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड वॉन्ट टू नो मोर अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट, सर दिस विल बी कवर्ड. रोहित जी, दिस विल बी कवर्ड. What is abiotic या non infectious disease? ये जो डिजीज होती है ये external conditions, plant के external condition में होते हैं जिसमें living agent कोई भी involved नहीं होता है. वो जो डिजीज रहती है actually उसको non infectious या abiotic disease बोलते हैं, लेकिन वो spread नहीं होती है plant to plant, but एकदम common है. लेकिन उसकी health के ऊपर उसकी असर आती है. abiotic disease उसको बोलते हैं जैसे nutritional deficiency हो गई, सॉइल के कॉम्पैक्शन की वजह से रूट फॉर्मेशन ना होना, ज्यादा सॉल्ट की वजह से इंजुरी होना, आइस के ज्यादा गिर जाना, सन का स्कॉर्चिंग हो जाना, विंड की वजह से हो जाना, हाई मतलब बहुत ज्यादा हवा चलती है उसकी वजह से हो जाना, इस इन सबको डिजीज की डेफिनेशन के अंदर ए बायोटिक डिजीज बोलते हैं. अपना आज का जो वेबिनार है दैट इज ऑन बायोटिक डिजीज, बायोटिक और इन्फेक्शियस डिजीज. ये ऊपर फोटो है वो फ्रॉस्ट इंजुरी है, मतलब बर्फ गिरने की वजह से जो इंजुरी होती है. बायोटिक और इन्फेक्शियस डिजीज वो उनको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है.
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो होती है उनको प्लांट पैथोजेंस बोलते हैं, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, नुकसान करते हैं। ये जो प्लांट पैथोजन होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक स्प्रेड करते हैं और सभी प्लांट को डैमेज कर सकते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स के पत्ते हैं, उनकी शूट्स है, स्टेम है, क्राउन है, जड़े हैं, ट्यूबर है, फल है, सीड है, वैस्कुलर टिश्यू है, सबको नुकसान करते हैं। ये दोनों हमने सोयाबीन के फोटो लिए हैं। ये जो है एबायोटिक डिजीज का है, ये बायोटिक डिजीज का, जिसके अंदर एक तरह का विल्टिंग हो रहा है। तो आवर वेबिनार, आज हमारा वेबिनार है बायोटिक और इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर। मतलब इसके अंदर तीन तरह के मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं जो डिजीज के अंदर। नंबर वन फंगस कहा जाता है, नंबर टू बैक्टीरिया कहा जाता है, नंबर थर्ड वन इज वायरस। अब मेन जो चीजें होती हैं वो हम आज के वेबिनार के अंदर कवर करेंगे। डिजीज का ट्रायंगल, किसको डिजीज कहा जाता है और किसको डिजीज नहीं कहा जाता है। अभी एनवायरनमेंट कंप्लीटली फेवरेबल है, लेकिन जो होस्ट है वो ससेप्टिबल है, मतलब प्लांट जो है वो उसके ऊपर रोग आ सकता है, और पैथोजन जो है जैसे फंगस है, वायरस है या बैक्टीरिया है, वो वायरुलेंट है, मतलब वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो उसको हम डिजीज बोलेंगे। अब पैथोजन अटैक कर सकता है, होस्ट भी ससेप्टिबल है, लेकिन एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं है, तो उसको हम डिजीज नहीं बोलेंगे। अभी एनवायरमेंट फेवरेबल है, लेकिन जो पैथोजन है वो क्या बोलते हैं, अटैक कर सकता है, लेकिन जो नॉन होस्ट है वो इम्यून है, मतलब कि उसका इम्यूनिटी अच्छी है, तो भी डिजीज नहीं हो पाएगी। इसे डिजीज किस कंडीशन में होती है उसके लिए डिजीज का ये ट्रायंगल है। आज हम कवर करने वाले हैं मेजर डिजीज लाइक पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल विल्ट, डैम्पिंग ऑफ, फ्रूट रॉट और डाईबैक, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, रूट रॉट एंड वायरस, सम काइंड ऑफ वायरस ऑल्सो। स्टार्टिंग विद पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स क्या होते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगस का सिम्टम रहता है, जो मतलब अभी जो क्लाइमेटिक कंडीशन चल रहा है जिसके अंदर टेम्परेचर लो है और मॉइस्चर कभी कभी उसमें देखने को मिलता है, तो उसमें पाउडर जैसा हो जाता है। जब पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है तो पत्तों के ऊपर वो उसका सिम्टम्स पत्तों के ऊपर, शूट्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, कांटों के ऊपर, फ्लावर के ऊपर पाउडर के फॉर्म में दिखते हैं। व्हाइटिश ग्रोथ रहता है, मतलब फंगस होती है व्हाइट, ऐसे लगता है किसी ने पाउडर का स्प्रे किया हुआ हो पत्तों के ऊपर। जब ज्यादा पाउडरी मिल्ड्यू होता है तो पत्ते का ग्रोथ अटक जाता है, एस्थेटिक वैल्यू प्लांट की एकदम घट जाती है, फोटोसिंथेटिक की एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाती है और प्लांट का ग्रोथ भी कम हो जाता है। प्लांट पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से प्लांट एकदम छोटा हो जाता है, ग्रोथ उसका अटक जाता है। अगर बहुत ज्यादा उसका इन्फेक्शन अगर अर्ली ग्रोइंग सीजन में होता है, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल रहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो अभी हैं, जिसके अंदर कभी भी अभी जैसे फॉग का बहुत ज्यादा हो जाना, तो पत्ते गिरने भी शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। आप ये देखिए कि पाउडरी मिल्ड्यू में ये व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं पत्तों के अंदर, और ये डाउनी मिल्ड्यू है, मतलब ये डाउनी मिल्ड्यू में पत्ते ऊपर से ऐसे दिखते हैं, येलो येलो स्पॉट दिखते हैं, पाउडरी के अंदर व्हाइट व्हाइट डब्बे दिखते हैं। फेवरेबल कंडीशन है, 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 99% के आसपास हो और लाइट कम हो, तो उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और एग्जैक्टली फिगर्स की बात करें तो 25 से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33-99% और लाइट की इंटेंसिटी 1750 लक्स के आसपास में हो या उससे कम होती है, तो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर पाउडरी मिल्ड्यू। मतलब बादल का सीजन, बादल जैसा सीजन हो जाता है ठंड के समय तब, और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फॉग जैसा या मिस्ट हो जाता है, तब पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। मेजर ये देखा जाता है अलग अलग तरह के सीरियल्स के ऊपर, लेग्यूम प्लांट्स के ऊपर, ग्रेप्स, प्याज की के ऊपर, एप्पल के ऊपर, पेयर्स, सभी तरह के गॉर्ड्स के ऊपर और मेलन्स के ऊपर, स्ट्रॉबेरी और सोयाबीन के ऊपर। ये सोयाबीन के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू है, ग्रेप्स के ऊपर है पाउडरी मिल्ड्यू, पूरा ग्रेप व्हाइट हो गया है,
कुकरबिटस के ऊपर प्लांट्स के ऊपर ये दिखा जा रहा है, मैंगो लीव्स के ऊपर, मैंगो लीव्स के ऊपर होता है, मैंगो के फ्लावर के ऊपर मैक्सिमम देखा जाता है, वीट लीव्स के ऊपर देखा जा रहा है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर है, सनफ्लावर के ऊपर है। कंट्रोल कैसे करेंगे इसको? कल्चरल एंड फिजिकल कंट्रोल फॉर प्रिवेंशन और मेंटेनेंस। एक तो ओवरहेड वाटरिंग को हमें अवॉइड करना है, मतलब स्प्रिंकलर से पानी देना अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादा डैम्प एनवायरनमेंट होता है तो पाउडरी मिल्ड्यू का स्पोर जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है। कोई भी मरा हुआ प्लांट है जो या उसको हमें दूर कर देना चाहिए। ओवर विंटरिंग मतलब ठंड से अवॉइड करने के लिए साइड पे। पाउडरी मिल्ड्यू बहुत अच्छी तरह सर्वाइव होता है डेड प्लांट के ऊपर, वो जो प्लांट के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर जाकर बैठ जाता है और वहां पर वो सर्वाइव कर जाता है। प्लांट ऐसे प्लांट की वैरायटीज देनी है जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट हो। जो भी अपना एनवायरनमेंट है, जैसे ग्रीन हाउसेज है, ग्रो रूम है, कोल्ड फ्रेम है, या खेत में कोई भी जगह है, तो उसको अपने को पूरी तरह से क्लीन कर देना है। कोई भी टूल्स हमने यूज किए हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए उसको अच्छी तरह से धो देना है। जो भी इन्फेक्टेड फोलिएज है उसको भी हमें वहां से निकाल लेना है, और जो प्लांट इन्फेक्टेड है उनको कंपोस्ट में डालना नहीं लेकिन उसको जला डालना है, तो इसका कंट्रोल, फिजिकली कंट्रोल आसान रह जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमें बेसिलस सेप्टिलस का उपयोग करना है प्रिवेंशन के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए। दूसरा, केमिकल अगर उपयोग कर रहे हैं तो सल्फर है, कॉपर बेस्ड फंगिसाइड है, उनका अपने स्प्रे करते हैं तो प्रॉब्लम दूर हो जाता है। और उसके अलावा मैंगोजेब है, कार्मेडिजम है, हेक्साकोनाजोल है, ट्राइक्साइक्लाजोल है, या फिर अपने थायोफेनेट मिथाइल है, ये सब का भी अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए, या एजोडोस्ट्रोबिन का भी आता है डाउनी मिल्ड्यू। जैसे आपने आगे का फोटो देखा था, पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर पाउडर होता है, डाउनी मिल्ड्यू के अंदर इस तरह से येलो स्पॉट्स हो जाते हैं, येलो या व्हाइट पैचेस अपर सरफेस के ऊपर, पुराने लीव्स के ऊपर ऐसे सरफेस के ऊपर देखने शुरू हो जाते हैं। जब हम पीछे से देखते हैं तो व्हाइट टू ग्रेइश कॉटन लाइक फंगस दिखाई देती है। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर ये जो फंगस होती है वो ऊपर की साइड होती है, डाउनी मिल्ड्यू के अंदर ये फंगस नीचे की साइड होती है। ये नॉर्मली देखा जाता है कि जब बरसातों के बाद में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है या हैवी ड्यू के ऊपर होता है, ये अभी जो ठंड का सीजन चल रहा है उसमें देखा जाता है। और जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, धूप निकलती है, तो डाउनी मिल्ड्यू गायब होना शुरू हो जाता है। जैसे डिजीज आगे बढ़ता है, जो पत्ते रहते हैं वो कड़क होने शुरू हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं और गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। पानी बराबर होने के बावजूद भी पत्ते गिर जाते हैं, वो इस डिजीज की वजह से गिर जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन कौन सा होता है? डाउनी मिल्ड्यू ज्यादातर होता है कूल मॉइस्ट वेदर में, यूजुअली इन अर्ली स्प्रिंग और लेट फॉल, मतलब ये अभी जो पीरियड चल रहा है। स्पोर फॉर्मेशन जो उसका रहता है वो 18 डिग्री से जब टेम्परेचर कम रहता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के आसपास रहती है, सिमिलर कंडीशन है पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू के लिए। और ये जो मरे हुए पत्ते रहते हैं, सॉइल रहता है उसमें इसका अटैक ज्यादा दिखाई देता है, और इसके जो स्पोर्स हैं वो हवा के साथ में, इंसेक्ट के साथ में, बरसात के साथ में या गार्डन टूल्स के साथ में भी स्प्रेड हो जाते हैं, वो कैरियर का काम करते हैं। नॉर्मली ये कुकरबिटिस की फैमिली के अंदर देखा मिलता है, जैसे कि ककड़ी है, लौकी है, तुरई है, गलकी है, टमाटर है, लेट्यूस है, ऑर्नामेंटल सभी प्लांट्स हैं, पियर मिलेट है, टमाटर है, पेपर है, इन सब पे डाउनी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है। अब ये देख रहे हैं पत्ते के पीछे की साइड पर आपको ये व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, और पत्ते के आगे साइड पर इस तरह के ब्राउन और येलो और ग्रेइश धब्बे दिखाई दे रहे हैं। लेट्यूस में इस तरह से इसका सिम्टम्स हैं। पेपर में आप जैसे ये फ्रंट में अगर ये दिखते हैं व्हाइट धब्बे तो उसको पाउडरी बोलते हैं, बैक में दिखते हैं तो उसके हम डाउनी बोलते हैं। ये वाटरमेलन के अंदर दिखाई दे रहा है। ग्रेप्स में पत्ता इस तरह से हो जाते हैं। टमाटो के अंदर, पपाया के अंदर ऊपर के ऊपर ये स्पॉट्स पड़ गए हैं। ग्रेप्स के अंदर भी इस तरह के स्पॉट्स पड़ गए हैं।
पियर मिलेट में भी पूरा का पूरा ये पीलापन हमको दिखाई दे रहा है पत्तों के ऊपर। अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? हवा का सर्कुलेशन बराबर होना चाहिए, जो प्लांट्स हैं उनको प्रून कर देना चाहिए, और जो भी वीड्स रहते हैं उनको खरपतवार को हमें दूर कर देना चाहिए। पानी अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए ताकि दिन के टाइम पे वो सूख जाए। जो ग्राउंड कवर रहता है, जैसे हम अगर वीड्स को दूर रखते हैं तो उसको पूरा का पूरा साफ रखना चाहिए, खास करके फॉल और विंटर के अंदर इसका स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है। जो भी पौधे के ऊपर इसका इन्फेक्शन हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, और पॉसिबल हो सके तो रेजिस्टेंट वैरायटी लेनी चाहिए, जो पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू के सामने रेजिस्टेंस हो। दूसरा, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम बैसिलस सबटिलस का यूज कर सकते हैं, उत्कर्ष रूडोजेल का यूज कर सकते हैं, डक्सिया गमोसा का, उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप के अंदर ये सब स्पीशीज आती हैं, इन सब का आप यूज कर सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल कंपैरेटिवली काफी इजी रहता है ज्यादातर प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए कॉपर स्प्रे के द्वारा। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए 2 वीक से पहले हमें इसका स्प्रे अगर कर देते हैं तो बहुत ज्यादा इसका अटैक नहीं रहता है। हमें मालूम रहता है कि आने वाले समय में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है ठंड में, ठंड के टाइम पे, तो इसको स्प्रे हमें पहले से कर लेना चाहिए। और जरा सा फर्स्ट सिम्टम दिखाई दे तो हमें पहला स्प्रे लेना चाहिए, और 7 से 10 दिन के अंदर दूसरा स्प्रे भी लेना चाहिए। अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें हेक्साकोनाजोल, ज़ाइनेप, ट्रोपिकोनाजोल का भी यूज हम कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। हमारा उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप है और सूडोज मतलब सूडोमोनस फ्लोरोसेंस है, इन दोनों का यूज अपने कर सकते हैं बायो इसके अंदर। लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट के अंदर पत्तों के ऊपर काले या ब्राउन कलर के पानी से भरे हुए स्पॉट दिखाई देते हैं, पहले येलो कलर के होते हैं और बाद में वो ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाते हैं और यूनिफॉर्म साइज के होते हैं। पहले वो जो जो सूखापन है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है और खास करके वेट कंडीशन के अंदर वो बढ़ता है। जो ड्राई कंडीशन के अंदर वो एकदम ऊपर उठ के दिखाई देता है। जैसे स्पॉट बड़े होते हैं वैसे पत्ता पूरा पीला पड़ना शुरू हो जाता है और पत्ता ड्रॉप लीफ ड्रॉप भी हो जाता है। लीफ स्पॉट फंगल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी होता है। जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट होता है वो पत्ते को पीला करता है, गोल 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 या एंगुलर धब्बे उसमें होने शुरू हो जाते हैं और येलोइश आउटलाइन भी होनी शुरू हो जाती है। जो अर्ली लीफ स्पॉट रहता है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट होता है, वो पुराने पत्तों में पहले देखने को मिलता है और पानी के अंदर पत्ते को डुबो के रखा हो ऐसा हमें दिखाई देता है। एक अलग से उसका मार्जिन बनना शुरू हो जाता है जब लीफ स्पॉट होता है। लीफ स्पॉट जैसे मैंने शुरू में बताया कि बैक्टीरिया से भी होता है, फंगस से भी होता है और येलो रंग के हेलो मतलब गोलाई से वो दिखाई देता है। अगर वो फंगस से दिखाई दिया होता है तो फंगस का ग्रोथ आजू बाजू में अपने को दिखाई देता है एक स्पॉट के फॉर्म में, खास करके डैम्प वेदर में, मतलब कि जब मॉइस्चर लेवल मतलब जब फॉग होती है या मिस्ट होता है उसके कारण। ये जो फंगस का ग्रोथ रहता है वो छोटा छोटा टाइनी सा पिंपल जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं जो काले रंग के होते हैं और मोल्ड के फॉर्म में वो स्पोर्स होता है। अगर हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या है तो हम इसको यूनिवर्सिटी में कहीं लेके जा सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर या हैंड लेंस से चेक कर सकते हैं कैसे कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे दिखाई देता है कि ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बहुत सारे हैं और बहुत नजदीक नजदीक हैं तो अलग अलग तरह के इरेगुलर एरिया के अंदर धब्बे पड़ गए हैं, ऐसे हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो लीफ स्पॉट होते हैं उनके कॉमन नाम मतलब ऐसे कॉमनली उसे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट भी कहा जाता है या उसको फ्रॉग आई लीफ स्पॉट भी कहा जाता है या अगर फंगस की वजह से होता है तो वो सेप्टोरिया लीफ स्पॉट भी कहा जाता है।
यस मिस्टर कन्हैया भाई बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप वो चैट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं जवाब दे दूंगा। सर मैं चैट बॉक्स को मैंने खोला है आपके लिए, तो लास्ट में आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं लास्ट में आपको जवाब दे दूंगा। इसका इफेक्ट लीफ स्पॉट का जो असर है वो प्लांट के ग्रोथ पे भी होता है, क्योंकि बहुत सारे एरिया के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का एरिया कम हो जाता है, तो ग्रोथ कम होना शुरू हो जाता है, और उसका असर यील्ड के ऊपर भी आता है। जो वीक प्लांट्स हो जाते हैं उसके ऊपर कम संख्या में फ्रूट्स आते हैं, वायरस की वजह से भी लीफ स्पॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल कंटेंट पत्तों में कम हो जाता है, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी उसकी वजह से कम हो जाती है, और इसका रिजल्ट ग्रोथ और यील्ड दोनों के ऊपर होता है। फेवरेबल कंडीशन कौन सी रहती है? बहुत दोनों तरह के जो लीफ स्पॉट रहते हैं बैक्टीरियल या फंगल, तब होता है जब गर्मी के अंदर मॉइस्चर का लेवल बहुत ज्यादा हो, मतलब नॉर्मली बरसात के शुरू होने से पहले, बरसात का गर्मी के अंदर, खास करके जब पानी ऊपर से दिया जाता है, स्प्रिंकलर से दिया जाता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर के प्रेजेंट होने की वजह से बैक्टीरियल लीफ स्पॉट पत्तों को ब्राउन कर डालते हैं। हवा और बारिश बैक्टीरियल लीफ स्पॉट को स्प्रेड करने में भी मदद करता है। सर्कोप्सपोरा लीफ स्पॉट जो होता है वो हाई टेम्परेचर में और हाई ह्यूमिडिटी के अंदर स्प्रेड होने का दिखता है, जिसमें टेम्परेचर जो है दिन का टेम्परेचर 27 से 32 होता है, रात का टेम्परेचर 16 से ज्यादा होता है, और ह्यूमिडिटी 60 डिग्री के ऊपर होती है एटलीस्ट 15 से 18 घंटे के लिए। खास करके ये तब दिखाई देता है बरसात शुरू होने से पहले, जब बरसात आने वाली होती है उससे पहले ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन रहती है लीफ स्पॉट के लिए। ज्यादातर ये दिखाई देता है कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, चाइनीज कैबेज में, जिनिशिया में और रोज प्लांट में। ये अपने कुकुम्बर में भी देख रहे हैं, कैबेज के अंदर ये लीफ स्पॉट में दिखाई दे रहा है अलग अलग जगह पर। सेप्टोरिया लीफ स्पॉट टोमेटो के अंदर है, ये जो काले काले धब्बे हैं और पूरा येलो हो गया है, ब्रिंजल के अंदर भी दिखाई दे रहा है, मिर्ची के अंदर एकदम गोल गोल जैसे सेम तरह के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, भिंडी में भी पीछे के साइड से ये टप दिखाई दे रहा है, दूधी लौकी के अंदर भी सेम तरह के धब्बे हैं जो पहले पीले होते हैं और बाद में सूख कर पत्ते इस तरह से बन जाते हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? अगर आप प्लांट बाहर से परचेस कर रहे हैं तो जहां आप जानते हैं कि भाई डिजीज नहीं होता, कंट्रोल किया जाता है, वहां से हमें खरीदना चाहिए। हम प्लांट खरीद रहे हैं तो देख लेना चाहिए कि भाई उसके ऊपर कोई भी लीफ स्पॉट के सिम्टम ना हो, अगर लीफ स्पॉट का सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसका प्लांटेशन हमें नहीं करना चाहिए। बैक्टीरियल है या फंगल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम ग्रीन हाउस में लगा रहे हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम करने का काम करना होता है, और प्लांट के कैनोपी को ध्यान में रख के पत्तों के ऊपर गीलापन ना हो उस तरह से हमको पानी देना चाहिए, तो सुबह जल्दी पानी दे देना चाहिए, हो सके तो स्प्रिंकलर से पानी नहीं देना चाहिए, खास करके गर्मी के टाइम पे एयर सर्कुलेशन पूरा देना होना चाहिए अगर हम ग्रीन हाउसेस के अंदर काम कर रहे हैं तो, और बहुत क्लोज प्लांटेशन नहीं करना चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन बराबर चल सके। अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा हैवी इन्फेस्टेशन है तो वो पत्तों को रिमूव कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। अगर जो लेबर इन्वॉल्व रहते हैं इसको निकालने के लिए, उनको अपना हाथ धो देना चाहिए ताकि वो अपने हाथों से दूसरे पौधों का हाथ ना लगाए और उसका स्प्रेड नहीं करें। जब अगर पौधे में ये रोग लगा हुआ है तब गीले पौधों को हाथ ना लगाएं। जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं तो इससे पत्ते काटे गए हैं उसको बाद में फंगीसाइड के अंदर हमें डिसइंफेक्ट करना चाहिए, फंगीसाइड के अंदर डुबोकर रेजिस्टेंट वैरायटीज हमें लगानी चाहिए।
अगर आप ग्रोइंग मीडिया में या पॉट्स में लगा रहे हैं तो सेम अगर उस पे अगर इस तरह का रोग दिखाई दिया तो वही ग्रोइंग मीडिया या पॉट को यूज नहीं करना चाहिए। फुल्ली प्लॉटेड प्लांट के ऊपर बास्केट को हैंग नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से भी नीचे वाले प्लांट्स के ऊपर लीफ पॉट आने के चांस बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत कम फर्टिलाइजेशन नुकसानकारक रहता है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फंगीसाइड का उपयोग अगर कर रहे हैं इसके लिए तो हमें प्रिवेंशन में करना चाहिए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ब्रॉड बेस्ड फंगीसाइड है काफी सारे, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन, क्लोरोथेनोलिन, मैनकोजेब, माइलोब्यूटाल, टिल, पायरोक्लोस्ट्रोबिन, थायोफेरिन मिथाइल और कॉपर प्रोडक्ट्स, ये सब केमिकल फंगीसाइड्स हैं, उनका जैसे उनके डोजेस के हिसाब से उसका यूज करना चाहिए। बायोलॉजिकल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उत्कर्ष ट्राइकोज लिक्विड मतलब ट्राइकोडर्मा वेडी, ग्लायोक्लेटेरियम एसपीपी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ट्राइकोडर्मा कॉनिंगी, ये सारी के ट्राइकोडर्मा की सारी स्पीशीज हमारी उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप में आती है, तो आप उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का यूज कर सकते हैं। उत्कर्ष रोडोजेल का भी यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला रोग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लीफ स्पॉट के सामने ट्राइकोजेल सूडोजेल का आप यूज कर सकते हैं। लीफ कल वायरस का कंट्रोल कैसे करेंगे सर? लीफ कल वायरस का आएगा स्लाइड, कन्हैया जी बताएंगे आपको उसके बारे में। नाउ डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ नॉर्मली नर्सरी स्टेज के अंदर बहुत कॉमनली देखा हुआ देखा जाने वाला डिजीज है। ये ज्यादातर दो तरह से देखा जाता है, प्री इमर्जेंस मतलब कि बीज के उगने से पहले ही आ जाता है, या पोस्ट इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ का आ जाता है मतलब पौधे के उगने के बाद आता है। प्री इमर्जेंस फेज के अंदर सीडलिंग जो है वो उगने से पहले ही एकदम छोटे छोटे ही उगते ही मर जाते हैं, रोटिंग हो जाता है। पोस्ट इमर्जेंस के अंदर इन्फेक्शन जो रहता है वो नरम नरम सॉफ्ट सीडलिंग सीडलिंग को वो नरम बना डालता है, और कॉलर के पास से मतलब जमीन के वहां से जहां से टच हो रहा होता है उस तरह ग्राउंड लेवल पे कॉलर रॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से पौधा मर जाता है और अचानक से मर जाता है उसके अंदर। जब नर्सरी कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है तो और सॉइल के अंदर भी पहले से ही उसको हमने डिसइंफेक्ट नहीं कर रखा है तो वो कॉमनली डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। नॉर्मली हम ये सब जिन चीजों के लिए हमें प्लांट्स बनाने रहते हैं उनके अंदर देखा जाता है, जैसे चिलीज का प्लांट बना रहे हैं, टोमेटो का, ब्रिंजल का, कैबेज का, कॉलीफ्लावर, अनियन, इन सब के अंदर ज्यादा देखा जाता है। ये देखिए सब अलग अलग नर्सरी स्टेजेस हैं, नर्सरी स्टेजेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है ये इस तरह से अचानक से पौधा मर जाता है। ये इसको कॉलर बोलते हैं, ये कॉलर रॉट है, दिस इज कॉल्ड कॉलर रॉट। यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ये देखिए सब जगह सभी पौधों में हमें यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है कॉलर पे, ये देखिए। कंट्रोल करने के लिए हमें जो नर्सरी कर रहे हैं उसको पहले फ्यूमिगेट करना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड से कर सकते हैं या फिर H2O2 सिल्वर H2O2 से भी कर सकते हैं, और रेज बेड पे नर्सरी बनाना चाहिए, फ्लैट जमीन पे नर्सरी नहीं करना चाहिए। सीड्स का ट्रीटमेंट हम कार्बेनिज्म के साथ कर सकते हैं 3 grams per kg ऑफ सीड, या उत्कर्ष ट्राइकोस का पाउडर के साथ भी कर सकते हैं 4 grams per kg ऑफ सीड, उत्कर्ष सूडोस के साथ में सूडोमोनो के साथ भी कर सकते हैं 10 grams per kg ऑफ सीड, 24 घंटे तक उसको रख के रखना चाहिए। सॉइल एप्लीकेशन में हमें सूडोमोनस फ्लोरेसेंस मतलब उत्कर्ष सूडोस पी का यूज कर सकते हैं 2.5 kg per hectare या 1 kg per acre, अराउंड 50 किलो गोबर खाद के साथ हम यूज कर सकते हैं। पानी भरे रखने को अवॉइड करना चाहिए, अगर ये सब करने के बाद भी कुछ दिखता है तो हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम के हिसाब से या बोडो मिश्रण का हमें यूज करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू का सर मैं ये लास्ट में आपको स्लाइड दिखा दूंगा, पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में मैंने बता दिया, आई विल शो इट अगेन लास्ट में वापस दिखा दूंगा मैं आपको। ये हमारा सूडोज है, सूडोज पी सूडोजेल, जिसका आप यूज कर सकते हैं डैम्पिंग ऑफ के लिए। फ्रूट रॉट एंड डाई बैक, फ्रूट रॉट में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं?
जो नरम नरम जो पत्ते रहते हैं वो उस पे पीलापन दिखाई देना लग जाता है, एकदम धार से पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो फ्लावर रहते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, जो फूल रहते हैं वो सूखना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में जो डालियां रहती हैं वो भी सूखने लग जाती हैं, और उसके बाद में ब्रांचेस भी सूखने लग जाती हैं, और पौधा मरने जैसा हो जाता है। जो फल रहते हैं फ्रूट रॉट की वजह से वो फल की क्वालिटी बिगड़नी शुरू हो जाती है। नॉर्मली फ्रूट रॉट जो रहता है वो पके हुए फल के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है, और गोल 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 स्पॉट दिखने को मिलते हैं, और वो धीरे धीरे करके लंबे होने शुरू हो जाते हैं, और ब्लैकिश ब्लैक ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा नुकसान रहता है उसका में कलर भी बिगड़ना शुरू हो जाता है, और गंदी सी स्मेल भी आने शुरू हो जाती है, और उसके बाद में बहुत ज्यादा अगर अटैक हो जाता है तो वो फल सूखने भी शुरू हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या रहती है? ये जो डाईबैक रहता है वो सीड बॉर्न रहता है या हवा की वजह से भी हो सकता है। जब हाई ह्यूमिडिटी और बरसात के साथ में हाई ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज्यादा हवा चलती है, तब वो सबसे फेवरेबल कंडीशन रहती है डाईबैक के लिए। इसका जैसे बरसात बंद हो जाती है तब इसका सिम्टम ज्यादा दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर रहता है उसकी वजह से। ज्यादातर ये देखा जाता है मिर्ची, बैंगन, टमाटर, भिंडी और सभी तरह के कुकरबिटस प्लांट्स के ऊपर, जैसे कि लौकी, तोरई, गलकी वगैरह में, करेले पे। कंट्रोल करने के लिए सीड्स की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, सीड ट्रीटमेंट कार्बनिज्म की 3 ग्राम पर kg, मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं 3 से 4 बार, तीन एक बार 15 दिन के अंतराल पे, जैसे डायबिटिक के सिम्टम देखने शुरू हो जाते हैं। साथ में प्रोपिकोनाजोल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है डायबिटिक के अंदर। दूसरा बायोक्लीन स्वीप का कॉम्बिनेशन के साथ में उत्कर्ष नीमोस गोल्ड के साथ में अगर हम अर्ली मॉर्निंग में देते हैं तो इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो उसके वेक्टर्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं इसका यूज करने से, बायोक्लीन स्वीप और उत्कर्ष नीमोस गोल्ड का यूज करने से। अर्ली ब्लाइट के अंदर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे करके बड़े होने शुरू हो जाते हैं। बुल्स आई पैटर्न बोलते हैं उसको। डिजीज वाले पार्ट में वो पीलापन होना शुरू हो जाता है पत्तों के ऊपर और फल के ऊपर। अगर वो फल के ऊपर हो रहा है तो एकदम डार्क ब्राउन कलर का गोल गोल रिंग किए, देखो ये रिंग्स जो बन रही हैं वो दिखती हैं, वो जो क्लियर कट दूर से भी दिखाई दे जाती है, और जो फल रहते हैं वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, पके हुए पके बिना ही वो ड्रॉपिंग शुरू हो जाता है फल का। ये टमाटर में, आलू में इसका सिम्टम इस तरह से दिखाई देता है, और ये टमाटर के आलू के अंदर इस तरह से काला काला सड़ा भी हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन बीज की वजह से या सॉइल की वजह से ये एक्चुअली देखा जाता है। जब सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होती है तब ये डिजीज देखने को शुरू होती है, जो लोअर लीव्स नीचे वाले पत्तों में पहले देखा जाती है, बाद में ऊपर के पत्तों में जाती है। ज्यादातर ये देखा गया है टमाटर पर, आलू पर, बैंगन पर, ग्रीन पेपर, मिर्ची पर, हॉट पेपर पर, और सभी सोलानेशियस फैमिली के ऊपर देखा जाता है। कंट्रोल करने के लिए हमें पहले तो सबसे पहले अगर कोई भी कचरा है या प्लांट में जो भी नुकसान है उसको पहले खत्म कर देना चाहिए। इस कचरे को कभी भी कंपोस्ट के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, इसको जला देना चाहिए। जो भी हम सीड यूज कर रहे हैं उसको डिजीज मुक्त यूज करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन के अंदर हमेशा नॉन सोलानेशियस क्रॉप लेना चाहिए। सोलानेशियस मतलब कि ये आलू वाली फैमिली जो होती है वो सोलानेशियस है, फिर फ्लावर है, कैबेज है, उसके साथ में सेम सेम फैमिली के प्लांट को नहीं लगाना चाहिए कभी भी। मैनकोजेब है,
2 ग्राम पर लीटर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 2 से 3 स्प्रे करना चाहिए। बायोलॉजिकली कर रहे हैं तो हमें उत्कर्ष ट्राइकोज का, उत्कर्ष सुडोज का सी ट्रीटमेंट के लिए 4 ईयर स्प्रे के अंदर करना चाहिए। इसकी वजह से डिजीज की इंटेंसिटी अर्ली ब्लाइट के अंदर कम हो जाती है। लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट के सिम्टम्स क्या हैं? उसके सिम्टम के अंदर लाइट ग्रीन या थोड़ा सा हरा या येलो रंग के ब्लिस्टर, मतलब फोड़ा जैसे पत्ते के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। जो नीचे वाले पत्ते रहते हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं, और पत्तों के ऊपर क्या बोलते हैं ब्लिस्टरिंग, मतलब कि फोड़े होने जैसा शुरू हो जाता है। 1 से 4 दिन के अंदर पत्ते सड़ने शुरू हो जाते हैं और वो ब्राउन कलर के बनने शुरू हो जाते हैं ड्राई वेदर के अंदर, और अगर वेदर मॉइस्ट है तो ब्लू ग्रे कलर का फंगस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर ये जल्दी कंट्रोल नहीं किया जाता है लेट ब्लाइट को, तो पत्ता गिरना शुरू हो जाता है और जो अंदर जो फल रहता है वो भी सड़ना शुरू हो जाता है। पत्ते और डालियां जो हैं वो पर्पल कलर से लेके ब्राउन कलर की होनी शुरू हो जाती हैं, खास करके ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तभी ऐसा होता है। और बाद में फल जो रहते हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं और बाद में एकदम सुकुड़ सा जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है तब ये देखने को मिलता है, खास करके बरसातें हैं, ड्यू है, इरिगेशन की वजह से। जब टेम्परेचर रात का 10 से 15 के बीच में रहता है और दिन का टेम्परेचर 15 से 21 में रहता है, मतलब ये गर्मी, ये सर्दी वाला क्लाइमेट और बहुत ज्यादा क्लाउडीनेस रहता है, उस समय हमें ये क्या बोलते हैं देखने को मिलता है। टमाटर के अंदर ये लेट ब्लाइट के सिम्टम्स हैं, ये देखो व्हाइट, पहले ब्राउन हो रहा है और व्हाइट होना शुरू हो जाता है। अर्ली ब्लाइट, लेट अर्ली ब्लाइट के अंदर ब्लैकिश दिखा जा रहा है, इसके अंदर लेट ब्लाइट के अंदर बड़ा डैमेज रहता है और वो सूख जाता है, एकदम सुखा डालता है पौधे को। आलू के अंदर, बैंगन के अंदर ये लेट ब्लाइट का फोटोग्राफ है, नॉर्मली ये दिखा गया है। टमाटर के अंदर, आलू के अंदर, ब्रिंजल के अंदर, ग्रीन पेपर, हॉट पेपर और सभी के सभी सोलानम फैमिली के अंदर दिखा गया है ये। जैसे सब बाकी सब के अंदर है सेम, वही ध्यान देना है, जला देना है जो सूखा हुआ है उसको। स्प्रिंकलर का यूज हो सके तो कम कंट्रोल करना है ताकि ड्राई क्लाइमेट रहे। आलू के अंदर बहुत सारे किसान स्प्रिंकलर का यूज करते हैं उगाने में। अगर आलू के अंदर हमें अवॉइड करना है तो फॉस्फोरिक एसिड का एप्लीकेशन करना चाहिए हार्वेस्टिंग करने के बाद में, और ताकि लेट ब्लाइट का असर अगले क्रॉप पे ना हो। हार्वेस्टिंग आलू का जो है वो ड्राई सीजन में करना चाहिए क्योंकि आलू के अंदर ही सबसे ज्यादा लेट ब्लाइट दिखा जाता है। ऊपर का जो भाग होता है आलू का उसको 15 दिन पहले ही काट देना चाहिए ताकि लेट ब्लाइट का असर दिखाया ना दिया जाए, और उसको निकालने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर खुदाई करके ही निकालना चाहिए ताकि उस लेट ब्लाइट का असर दिखाई ना जाए। नाइट्रोजन बेस फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज करना चाहिए, तो हर क्रॉप के लिए लागू होता है। जो बीज है उसका रिडोमिल के 5% रिडोमिल के साथ में सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। रिडोमिल मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है मैनकोजेब और मेटालिक्सिल का। सीड का स्टोरेज अगर कर रहे हैं तो 3.5 से 4.5 डिग्री के बीच में करना चाहिए। फोलियर फंगिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि COC है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, मैनकोजेब है, कार्मेडिज्म है, इनका करना चाहिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं उत्कर्ष का बायो क्लीन स्वीप, उत्कर्ष का फंग फ्री, ट्राइकोडर्मा, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। एंथ्रेक्नोस के बारे में देखेंगे। एंथ्रेक्नोस के सिम्टम्स में रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं गोल गोल, जिस
कोलेटोट्रिकम एसपीपी नाम के फंगस की वजह से ये होता है। अराउंड आधे इंच डायमीटर का जो गोलाई वो डेवलप होना शुरू हो जाता है पौधे के स्टेम के ऊपर, पॉड्स के ऊपर या सीडलिंग के पत्तों के ऊपर ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। बट नॉर्मली वो जो सींग रहती है उसके ऊपर ज्यादा दिखाई देता शुरू हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन एंथ्रेक्नोस के लिए नॉर्मली ये जो विंटर का सीजन जो चलता है अभी, जिसमें कूल और वेट क्लाइमेट के अंदर दिखाई जाता है, गर्मियों में और ड्राई समर के अंदर ये नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। बीन्स के अंदर इसका असर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। बॉटल गॉट के अंदर इस तरह से धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मिर्ची के अंदर भी ये एकदम प्रोमिनेंट दिखाई देता है, एकदम गोल 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 सब जगह पे होता है। बिल्कुल गोलाई के अंदर जब हो रहा होता है तो उसे अपने कंफर्म कर सकते हैं कि एंथ्रेनोस का ही डिजीज है। वाटरमेलन के अंदर भी दिखाई देता है, टमाटर के फल के अंदर, कैप्सिकम, ब्रिंजॉल, वाटरमेलन के फल के ऊपर, पपाया के ऊपर, बीन्स के ऊपर, एकदम अलग तरह का ही पैटर्न बनता है और गोल पूरा पैटर्न गोल स्वरूप में होता है। एंथ्रेनोस का असर ज्यादातर दिखाई देता है मिर्ची पे, टमाटर पे, आलू पे, बैंगन, कैप्सिकम, ककड़ी, लौकी, बीन्स, तरबूज, पपीता, आम सब में दिखाई देता है। कंट्रोल करने के लिए ऐसे जो इन्फेक्टेड प्लांट रहते हैं उनको पूरा खत्म करके जला देना चाहिए। कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, बार बार उसका भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, अलग अलग स्प्रे करना चाहिए ताकि उसका टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप ना हो जाए। पानी हो सके तो ड्रिप से पानी देना चाहिए, स्प्रिंकलर से पानी नहीं देना चाहिए। स्प्रिंकलर से पानी देते हैं तो एंथ्रेनोस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो जो फल पक रहे होते हैं वो फल जमीन में टच ना हो वो हमें देखना होता है। जमीन में अगर टच होते हैं तो भी एंथ्रेनोस होने के चांस हो जाते हैं। जैसे तरबूज है तो तरबूज को भी बचाना चाहिए जमीन से टच होने से। प्लांट को रोटेशन करना चाहिए हर 2-3 साल में ताकि ये डिजीज जमीन में सेट नहीं हो जाए। केमिकल फंगीसाइड के अंदर हमें क्लोरोथेनोलिल कॉपर स्प्रेज करना चाहिए, प्रोपिकोनाजोल है या थायोफेनेट मिथाइल, ये इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर बायोलॉजिकल के अंदर देखें तो ट्राइकोडर्मा की जो स्पीशीज रहती है, ट्राइकोडर्मा कॉनिंगी, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखा गया एंथ्रेनोस के सामने। हमारी ये ट्राइकोडर्मा की ये स्पीशीज हम यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट फंग फ्री के अंदर। रूट रॉट के अंदर धीरे धीरे बिना किसी कारण के पौधा मरना शुरू हो जाता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो अटक जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं, डालियां सूखने लग जाती हैं, जो कैनोपी रहती है वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं इसलिए वो पतली होने शुरू हो जाती है। कुछ स्पीशीज के अंदर फंगस जो है वो जड़ों में बढ़नी शुरू हो जाती है और जड़ें में क्रैक्स पड़ना भी शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर दिन का 30 डिग्री के आसपास रहता है और बहुत लंबा पानी नहीं दिया जाता पानी की कमी की वजह से और अचानक से पानी दिया जाता है तब रूट रॉट दिखाई दिया जाता है। ये टमाटर के अंदर है कॉलर रॉट, रूट रॉट, ये चौलाई के अंदर है, चौली के अंदर है, कैप्सिकम के अंदर ये रूट रॉट का सिम्टम है, मिर्ची के अंदर ये रूट रॉट के सिम्टम है, बैंगन के अंदर, वाटरमेलन के अंदर नॉर्मली ये देखा गया है। टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्ची, कैप्सिकम, वाटरमेलन, कुकुम्बर और आलू के अंदर जो जो पेड़ों में जो रूट रॉट होता है वो प्रिवेंशन के साथ ही हमें उसको दूर कर जाते हैं। अगर आप नए पेड़ लगा रहे हैं तो पहला डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी लगानी चाहिए और ऐसी सॉइल में लगाना चाहिए जहां पर उसकी ड्रेनेज बहुत ज्यादा अच्छी हो और ओवर वाटरिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए। अः
अगर पेड़ों पे लग गया है तो उसको पेड़ों का अगर प्रूनिंग कर डालते हैं तो इन्फेक्टेड रूट्स होने के बावजूद भी पेड़ को हम बचा सकते हैं। जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी औजार यूज कर रहे हैं, उसको हमें डिसइंफेक्ट करना चाहिए फंगीसाइड के अंदर, कॉपर फंगीसाइड के अंदर डुबो के रखने के लिए, ताकि उसके बाद में यूज करने के लिए। अगर एक पौधे के अंदर बहुत ज्यादा, पेड़ के अंदर बहुत ज्यादा रूट रॉट लग गया है तो उस जगह से पेड़ लगा निकाल देना चाहिए और उस जगह पर वापस एक हेल्दी ट्री नहीं लगाना चाहिए। हमें अगर रूट रॉट का प्रॉब्लम हमारे जमीन में पहले से आ रहा है तो हमें डीप टिलेज मतलब कि प्लाव करके रख देना चाहिए 6 से 8 इंच के लिए और गर्मी के अंदर, ताकि सॉइल सोलराइजेशन हो जाए और जो भी फंगस डेवलप हुई है जमीन के अंदर वो दूर हो जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, बेसिलस सब्टिलस या उसके गलत थोड़ा लिखा गया है मेरे से, उत्कर्ष बायोक्लिनशिप का यूज नहीं करना है, उत्कर्ष फंगफ्री का यूज करना है, उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इसके अंदर। या केमिकल फंगिसाइड का अगर यूज कर रहे हैं तो कार्मेडिजम मैनकोजेब का यूज करना है, मेटालिक्सिल का यूज कर सकते हैं, मेटालिक्सिल मैनकोजेब का यूज कर सकते हैं, डाइनोकैप प्रोपिकोनाजोल वेटेबल सल्फर का यूज कर सकते हैं। फंगफ्री ट्राइकोडर्मा विल्डी सुडोमोनस फ्लोरेसेंस ये बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं रूट रॉट के सामने, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, बहुत बहुत अच्छे स्केल पर हमने इसको इसके ट्रायल्स लिए हैं रूट रॉट के ऊपर। दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट ये सब डिजीज में कंट्रोल करने के लिए हैं वो सूडोज है, ट्राइकोज पी है, फंगनील है, ये भी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। कन्हैया जी अब आपको जो जानना था उसके बारे में बात करेंगे, वायरल डिजीज के बारे में। लीफकल वायरस ये नॉर्मली इसका ट्रांसमिट जो होता है वो वाइट फ्लाई से होता है या एफिड से भी होता है। जो पत्ते रहते हैं वो कर्लिंग ऊपर की तरफ कर्ल करने शुरू हो जाते हैं, कप की तरह अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है और पत्ते की साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है। जो नसों के बीच में पीलापन आना शुरू हो जाता है और जो पत्ते एक नजदीक नजदीक आने शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ जो है वो स्टंट होनी शुरू हो जाती है। मोजेक के अंदर मोजेक वायरस का नॉर्मली जो स्प्रेडिंग रहता है वो एफिड की वजह से रहता है। प्लांट का ग्रोथ अटकना शुरू हो जाता है और लाइट ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं, पत्ते टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं नॉर्मल से। टमाटर का फोटो है जिसमें लीफ कल मतलब मोजेक की वजह से हो जाते हैं, पत्तों के ऊपर एक अलग अलग तरह का मोजेक का पैटर्न बनना भी शुरू हो जाता है। मोजेक मतलब नाम इसलिए है कि अलग अलग तरह का पैटर्न पीला और हरे का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको मोजेक वायरस कहा जाता है। स्पॉटेड विल्ट वायरस के अंदर जो पत्ते और डालियां और जो फल रहते हैं उसके ऊपर धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, छोटे से डार्क सर्कुलर स्पॉट नए पत्तों में शुरू हो जाता है, जो पत्ते हैं उस पे ब्राउन्स कलर का अपीयर आना शुरू हो जाता है, जो बाग में आगे चल के ब्राउन होता है और फिर उसके बाद पत्ता नीचे गिर जाता है। फल के ऊपर बहुत सारे गोल गोल स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं आधे इंच डायमीटर के सर्क्यूलर मार्किंग के साथ में, जैसे आप ये टमाटर में देख सकते हैं स्पॉटेड विल्ट की वजह से। जो तैयार फल होता है उसके ऊपर ऑल्टरनेट बैंड बनना शुरू होता है रेड और येलो कलर का। नॉर्मली देखा गया टमाटर पे, चिलीज पे, ब्रिंजल पे और सभी गॉड्स पर ये देखा जाता है वायरस का डिजीज। कंट्रोल करने के लिए जो अपने नर्सरी बनाए उसको अपने नेट हाउस या ग्रीन हाउस में बनाना चाहिए, स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए 4 प्रति एकड़ जिनसे वाइट फ्लाई का और एफिड का कंट्रोल किया जा सके। बैरियर क्रॉप्स लगाने चाहिए आसपास में सीरियल के, जैसे खास करके मक्का है, अपना जुआर है, चिली के अंदर जैसे आप पूछ रहे थे सर, एक नाम आपका देख लेता हूँ मैं, अभी आप पूछ रहे थे चैट बॉक्स के अंदर के आपको मकई का और जुआर की 2 रो लगानी चाहिए हर 5 रो के चिली में, इसकी वजह से चिली का जो वायरस है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है। वीड्स जो रहते हैं, खरपतवार रहते हैं, निंदामन रहते हैं, उनको दूर करते रहना चाहिए। इमिडाक्लोरोपेट, डाइमेथियोएट, एसीफेट वगैरह का
हर 10-10 दिन के अंतर पर स्प्रे करना चाहिए ताकि कंट्रोल रहे। वायरस एक बार बैठ जाता है तो मतलब नॉर्मली कुकरबिटस है, लेग्यूम्स है, पेपर है, तम्बाकू है, टमाटर है, उसके ऊपर सेटल हो जाता है उसका, तो वो होस्ट वहां पे सेटल ना हो जाए उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। वायरस अगर आ गया, शुरू हो गई है, तो आप ऑल्टरनेट स्प्रे ले सकते हैं हमारे वायरस का और वायर इम्यून का। तो ये पौधे के अंदर इम्यूनिटी बनाने का काम करता है, और इसके साथ में आपको वेक्टर को भी कंट्रोल रखना पड़ता है, और साथ में कॉम्बिटिव जैसे चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत कमी आ जाती है वायरस आने की वजह से। बैक्टीरियल विल्ट जो डिजीज है वो वेस्कुलर टिश्यू का डिजीज है। जब प्लांट इन्फेक्ट होता है तो ई ट्रैकेफिला का जाइलम के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, और बाद में वो जो पानी का आने जाने का जो सिस्टम रहता है उसको वो तोड़ डालता है। जो उसका सबसे पहला जो साइन दिखता है इन्फेक्शन का, वो अराउंड 5 दिन के बाद दिखता है, जिसमें पत्ता एकदम ढीला हो जाता है और पत्ते की डाली सिंगल होनी शुरू हो जाती है, पत्ते जो हैं वो डल ग्रीन कलर के होने शुरू हो जाते हैं, और दिन के टाइम एकदम ढीले हो जाते हैं और रात को एकदम ठीक हो जाते हैं। लीव पत्ते धीमे धीरे करके पीले होने शुरू हो जाते हैं, उनके जो मार्जिन रहता है, धार रहती है, वो ब्राउन कलर की होने शुरू हो जाती है, और फिर वो गिर जाते हैं और पौधे मर जाते हैं। धीरे धीरे करके प्लांट के पूरे में स्प्रेड हो जाता है, वो पूरे का पूरे पौधे को मार देते हैं। इसका जो फेवरेबल क्लाइमेट रहता है, बीज की वजह से ये फैलता है, या ठंड में जो कचरा होता है उसकी वजह से वो फैलता है। ये पैथोजन का नॉर्मली 37 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में ग्रोथ बहुत फास्ट देखा गया है, और प्लांट के ऊपर जैसे 32 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर रहता है और ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, तो इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। बैक्टीरियल विल्ट का जो असर देखा गया वो टमाटर के ऊपर, चौलाई के ऊपर, केले के ऊपर, कुकरबिटस के ऊपर, बीन्स के ऊपर, आलू के ऊपर, ककड़ी के ऊपर और चिली के ऊपर, मिर्ची के ऊपर ज्यादा देखा गया है। इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं बैक्टीरियल विल्ट के। दिन में अगर पौधा ढीला है और रात को अगर अच्छा हो गया, तो सबसे बड़ा सिम्टम है यही है, हमें मालूम पड़ जाता है कि बैक्टीरियल विल्ट है। आलू के ऊपर, केले के ऊपर, कुकुम्बर, बीन्स, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक तो पैथोजन फ्री मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। एक तो जो सीड है वो डिजीज फ्री सीड लेना चाहिए। बीज का है तो रोटेशन, क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर वो रह ना जाए। दवाई से कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में कंट्रोल किया जा सकता है, इसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये देखा गया। उसको सीड से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, उसके साथ में कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का भी यूज कर सकते हैं, ताकि उसका कंट्रोल अच्छी तरह से हो। अगर हम जैविक कर रहे हैं तो सूडोमोनस फ्लोरेसेंस उत्कर्ष शूडोस का यूज कर सकते हैं, बैसिला सेप्टिलस का, एंटरोबैक्टर एरोगॉन्स का। ये गलती से सब जगह बायोक्लिन सिर्फ लिखा, लेकिन ये फंग फ्री आएगा, यहाँ पे फंग फ्री का यूज कर सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव पाया गया इसके लिए। जैसे पहले मैंने बोला कि बैक्टीरियासाइड का स्प्रे कर सकते हैं, सेप्टोसाइक्लिन का, सेप्टोमाइसिन का, और उसके साथ फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। यहाँ फोटो पी में भी गलती हो गई हमारी तरफ से, यहाँ पे फंग फ्री आएगा। जो भी हमने प्रोडक्ट दिखाए हैं, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे अमेजन पर और हमारी वेबसाइट उत्कर्ष एग्रोटेक पे ऊपर अवेलेबल हैं। आप हमारे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो वीडियो आज आपने देखा है, इसको आप यूट्यूब चैनल हमारा है उत्कर्ष एग्रोकेम, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। हम लोग गूगल पे भी अवेलेबल हैं। ये हमारे इसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर की कंप्लीट रेंज है हमारे पास, बायो पेस्टिसाइड की भी कंप्लीट रेंज है,
ईडीडीए के सारे सभी तरह के ईडीडी के फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह। हमारे एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी हमारे पास कंप्लीट रेंज है। एमिनो एसिड से रिलेटेड फर्टिलाइजर भी हम बनाते हैं, सभी तरह के स्प्रेडर ड्रिप क्लीनर भी हम बनाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के लिए भी हमारे पास पूरी रेंज है, उसका मीडिया भी हम रखते हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के हम लोग इम्पोर्टर हैं और पूरी रेंज हमारे पास मिलती है। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर है, नीम बेस्ड है या दूसरे प्लांट एक्सट्रैक्ट करंट बेस्ड है, वो उसके आधारित भी प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की भी हमारे पास कंप्लीट रेंज रहती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, नीम केक है, कैस्टर केक है, पीजीआर बेस्ड भी सभी प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे यूमिनोज, यूमिक, फुलविक, एमिनो, सीवीड वगैरह। अभी मैं आपके सबके जो क्वेश्चंस आपने चैट बॉक्स में आए हैं उसका एक एक करके आपको मैं सवाल के जवाब दे देता हूँ। उसके बाद में आप सब लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। पहले आपके सवाल देख लेते हैं। लीफ कल का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कन्हैया जी पूछ रहे हैं। तो लीफ कंट्रोल का मैंने बताया कि लीफ कल के लिए हमारा वायरोज और वायरिम्यून का यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन कौन सा करते हैं सुरेंद्र जी, मैं आपको ये उसकी स्लाइड भी वापस से दिखा देता हूँ पाउडरी मिल्ड्यू की। जस्ट अ मिनट, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप बैसिलस सबटिलस का यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। और हमारा जो पंख फ्री करके आता है उत्कर्ष पंख भी, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर बैसिलस सबटिलस की स्पीशीज भी आ जाती है। बैसिलस सबटिलस के अंदर बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज रहती हैं जो इसके लिए यूजफुल रहती हैं। सर डाईबैक का सॉल्यूशन क्या है, तो डाईबैक का भी मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं कन्हैया जी। ये डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ भी एक तरह का डाईबैक रहता है जिसमें ट्राइकोज और सूडोज का करते हैं और कॉपर फंगीसाइड का या बोडो मिश्रण का यूज करके करते हैं। सेम चीज है, बायो क्लीन स्वीप नहीं है लेकिन उत्कर्ष फंग फ्री का उपयोग करना है नीमोस के साथ में। मिर्च में लीफ कल के लिए होने के लिए, सर लीफ कल के लिए मैंने सर आपको बता दिया है, लीफ कल के लिए आप हमारा वायरिम्यून वायरस को बायो क्लीन स्वीप के साथ में यूज कर सकते हैं, तो कंट्रोल काफी अच्छा रहता है। प्लांट के हाइट को कैसे कंट्रोल करें, हाइट को कंट्रोल करने के विल्ट खत्म कैसे करें, विल्ट खत्म करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया है सॉइल सोलराइजेशन करने की जरूरत है गर्मी के अंदर, दूसरा आपको क्रॉप रोटेशन करने की जरूरत है, तीसरा सॉइल को लगाने से पहले आप बायोलॉजिकल फंगिसाइड जैसे कि उत्कर्ष फंगफ्री है, ट्राइकोडर्मा वीडी है, उत्कर्ष ट्राइकोज है, सूडोज है, इनका उपयोग कर सकते हैं तो वो आपको बहुत मदद करेंगे। पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक और केमिकल बेस्ड। पीजीआर जो रहता है पीजीआर जिसको हम बोलते हैं वो होता है यूमिक, फुलविक, एमिनो, सीवीड, ये सब नेचुरल सोर्सेज के रहते हैं इसलिए हम इसको नेचुरल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, केमिकल बेस्ड नहीं रहता सर इसके अंदर। रोहित जी चैट बॉक्स के मैंने सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप अभी अपने आप को कोई सवाल अगर पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट करने को अलाउ किया हुआ है और आप अपना सवाल पूछ भी सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या रहता है कि हम कोई भी योर प्रोडक्ट रिटेल शॉप के लिए सेल करने के लिए लाइसेंस की जरूरत, सर कुछ प्रोडक्ट रहते हैं ये जो ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनस है, ये सबको गवर्नमेंट ने अभी लाइसेंस के अंदर रख दिया है तो इनके लिए लाइसेंस की जरूरत रहती है, लेकिन जो पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट रहते हैं उस पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती है। जो फर्टिलाइजर बेस्ड प्रोडक्ट हैं
वाटर सोल्यूबल है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत रहती है। नीम बेस्ड प्रोडक्ट जो है उसमें भी लाइसेंस की जरूरत रहती है, क्योंकि नीम को भी गवर्नमेंट ने सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के अंदर में रख दिया है, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत रहती है। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं पूछने के लिए, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन इसके बाद में भी अगर आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सबको ऐड किया गया है, तो आप वहाँ पे फोटोग्राफ शेयर करके भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डिजीज है और इसका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपको वहाँ पे भी हम बता देंगे। रोहित जी, हमारे पास जो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट है वो हमारा गुजरात के लिए है, कोरोना की वजह से हमने आगे दूसरे स्टेट्स के अंदर अभी तक कुछ लिया नहीं है, तो रिटेल के लिए वो पीसी जो है अगर आप गुजरात बेस्ड हैं तो आपको पक्का मिल जाएगा। गुजरात के अंदर हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे लोग रिटेल में भी बेचते हैं। सर, एमपी के लिए हमें एमपी गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में वो लोग हमें परमिशन देंगे, फिर हम प्रिंसिपल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोग आए और आपने बहुत अच्छी तरह से वेबिनार को सुना। ये वेबिनार आपको YouTube के ऊपर हम कल तक अपलोड कर डालेंगे और आप इसको वापस से भी देख सकते हैं, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। एंड अगले हफ्ते हमारा वेबिनार जो है वो इसके ऊपर अपना न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स इन हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर एक्वेरियम प्लांट्स, इन दोनों के ऊपर है। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या एक्वेरियम के अंदर फार्मिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप पक्का करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम सारी की सारी डिटेल उसकी देंगे भी। 24 तारीख को दो वेबिनार हैं, एक 2 बजे है, दूसरा 3:30 बजे है। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस। एंड आई एम समीर अलावादी from Utkarsh Agro Game. Thank you.